अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ फहद अहमद और मैं आपको अपने चैनल फहद रिएक्शन में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो ऑटो कार शो के हवाले से है जो कि इंडिया में हुआ है, और उसमें तकरीबन इंडियन कार्स ही सारी की सारी ऑटो शो में आई हैं। और तो आज की वीडियो उस बारे में है, और उसमें स्पेशल जो कार के ऊपर आज हम वीडियो देख रहे हैं वो है टाटा गरुड़ा इंडियन प्रेजिडेंशियल लेमोसिन कॉन्सेप्ट ऑटो कार फॉर 2020। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और ये जो लोग गाड़ियों से प्यार करते हैं उन्हें ये गाड़ी अच्छी लगी है तो बताएं इसमें क्या क्या खूबी है वो भी बता दें। नहीं तो हम वीडियो के थ्रू देख तो रहे हैं, अगर फिर भी कोई चीज़ बच जाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लेता और अपने सब्र का इम्तिहान भी नहीं देता, तो हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। 1, 2, 3, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो ट्यूब इंडिया। इस बार ऑटो एक्सपो में बहुत सारी गाड़ियां शोकेस हुई, लॉन्च हुई, रिवील हुई, लेकिन एक कार का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आया जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा गरुड़ा की। ये एक प्रेसिडेंशियल लिमोजीन है, टाटा गरुड़ा जरूर इसको बोला गया है। इस कार पे टाटा की बैजिंग जरूर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि टाटा ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं बनाया है। ये कॉन्सेप्ट का नाम गरुड़ा है और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के एक स्टूडेंट ने शोकेस किया था ऑटो एक्सपो 2020 में। ये जरूर था कि जो इसकी डिजाइन इसमें यूज की गई है वो वही इंपैक्ट डिजाइन यूज की गई है जो इन दिनों टाटा में यूज की जा रही है। और साथ ही इसके रूफ पे अगर आप देखें तो ट्राई एरो शेप का ये स्ट्रक्चर भी अभी अभी टाटा की डिजाइनिंग में चेंज हुआ है और वही सेम डिजाइन इसमें यूज की गई है। साथ में अगर फ्रंट से आप देखें तो इसमें जो डीआरएल्स बड़े डीआरएल्स ऊपर दिए गए हैं और हेडलाइट्स को नीचे किया गया है, जैसे आपको हैरियर, सियरा और जो एचबीएक्स में अभी देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जो करंट वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल डिजाइन टाटा मोटर्स के हैं प्रताप बोस, वो भी एनआईडी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिजाइन वहीं से दोबारा सामने आई है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस कार के लुक के बारे में आपको बता दें। फ्रंट से मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें वही हैरियर और टाटा का जो नया डिजाइन है वो यूज किया गया है, साथ ही इसमें टाटा की बैजिंग यूज की गई है। इसके अलावा अगर इसमें देखें हम तो 26 स्पोक्स के इसमें अलॉय व्हील्स यूज किए गए हैं। साथ ही जो इसका लास्ट पिलर है या उसको डी पिलर भी कहें, उस पे अशोक लायन का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि इसको एस्टेब्लिश करता है कि ये एक प्रेसिडेंट व्हीकल या प्रेसिडेंट लेमोजीन है। साथ ही इसमें डीप ब्लू शेड यूज किया गया है जो इसका कलर है, और जो इसकी ब्लैक रूफ और ब्लैक ग्लासेस दिए हैं उससे इसको बुलेट प्रूफ का लुक दिया गया है इस कॉन्सेप्ट स्केल मॉडल में। आपको बता दें कि अमेरिका और रशिया भी अपने होम कार मेकर से ही अपनी कारें डिजाइन करवाते हैं, और वही होम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ही वो गाड़ियां यूज करते हैं। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो कैडिलैक का इस्तेमाल करते हैं जिसको जनरल मोटर्स बनाता है। और आपको एक बात बता दें कि उसकी व्हीकल जो है वो सबसे सेफेस्ट व्हीकल मानी जाती है वर्ल्ड में, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट यूज करते हैं। साथ ही जो इसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनको कंपनी लोगों के सामने रिलीज भी नहीं करती है क्योंकि वो इतना सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं। साथ ही रशियन प्रेसिडेंट जो यूज करते हैं वो ऑरस सेनेट लिमोजीन यूज करते हैं जो कि रशिया में ही डिजाइन हुई थी और एक रशियन कार मेकर द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। साथ ही महिंद्रा स्कॉर्पियो भी बुलेट प्रूफ वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टोयोटा की लैंड क्रूजर, लैंड रोवर की रेंज रोवर सेंटिनल इस्तेमाल करते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो मर्सिडीज बेंज की S600 गार्ड यूज करते हैं। ऐसे में जो इनकी लिमोजीन और जो कार्स हैं वो इंडियन नहीं है। इस स्टूडेंट ने जरूर एक
कॉन्सेप्ट दे दिया है न सिर्फ टाटा को बल्कि बाकी और भी जो इंडियन कंपनीज है उनको। और ऑलरेडी इंडियन कंपनी जो है वो डिफेंस व्हीकल में ऑलरेडी उतर चुकी है, जैसे महिंद्रा और टाटा, बहुत सारे इनके ट्रक्स और आर्मी बुलेट प्रूफ गाड़ियां आती है। ऐसे में अगर ये कंपनियां लिमोजीन भी बनाती है हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए, तो ये भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए भी बड़ी गौरव की बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस डिजाइन और इस कॉन्सेप्ट के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंच। तो ये थी वीडियो, हो गई खत्म। तो दोस्तों ये गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन की थी, किसी भी दूसरी कार से इसका डिज़ाइन जो है वो कम नहीं था। एक और अच्छी चीज़ है कि ये एक इंडियन स्टूडेंट ने डिज़ाइन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के एक स्टूडेंट ने ये कार का डिज़ाइन दिया है, और उसके लिए ये एजाज़ की बात है कि उसने इंडिया के लिए पहली प्रेजिडेंशियल लेमोजिन का कॉन्सेप्ट दिया है। यार बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन था, मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी लगी है ये। आगे से इसके जो लाइट्स थी वो जो बता रहे थे, छोटी वाली बड़ी वाली लाइट्स ऊपर थी, जो छोटी नीचे थी, अब वो उनका कोई स्पेशल नाम ले रहे थे, मुझे अब वो नाम जहन में नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा देख लूँगा, उसका नाम मुझे दोबारा पता चल जाएगा। तो दोस्तों गाड़ी तो लेवल की थी, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी मुझे लगी गाड़ी। अगर आपको भी ये गाड़ी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसी कार के बारे में। फिर उसने दिखाया कि इंडियन जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी जगह पे अब डिफेंस की गाड़ियाँ बना रहे हैं टाटा की, और ट्रक्स बड़े इनके हैं टाटा के जो के आर्मी के पास हैं उनकी, अब ये मज़ीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बना रहे हैं, जो कि एक एजाज़ की बात है इनके लिए भी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई हो लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस वीडियो पे रेटिंग करवाना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।